राम राम कहे राम, केवल छह ही बार राम निकला था और छह कोसों में होकर के प्राण निकल के चला गया। तो छह कोस में यूं आई है वो, उन्हें 18 किलोमीटर में ना आई। पूतना जब मर गई जो ना बता पाई कहीं से बालक गोर हो के कार हो के छोटो है के मोटो है, सकटा सुर तृणाव्रत को भेजा, दोनों को मार के भगवान ने उद्धार कर दिया, वो भी नहीं बता पाए। अब भगवान का नाम रखा गया, गर्गाचार्य जी को बुलाया गया नामकरण के लिए, पुरोहित थे कुल पुरोहित गर्गाचार्य जी। रोहिणी के बेटा का नाम रखा बलराम, राम तीन ही हुए हैं, चौथा राम कोई नहीं है। भगवान श्री राम, परशुराम और बलराम। और एक बात और सुनो ध्यान से, इन तीनों का नाम रखा गया था सर्वप्रथम राम, तीनों का ही नाम राम था। उनके नाम के आगे परशुराम इसलिए लिखा कि शिवजी ने दिया था फरसा, शिवजी के चेला थे, शिष्य थे, जो फरसा दिया था उस फरसा का नाम था विद्युदभे। तो फरसा जब गुरु से मिल गया तब उनका नाम पड़ा परशुराम, उनका नाम था राम। चंद्रमा ने वरदान मांग लिया था प्रभु से तब उनका नाम पड़ा रामचंद्र, और इनका भी नाम है राम। तीनों लोकों में आज तक इतना शरीर से कोई बलवान पैदा नहीं हुआ तब नाम पड़ा बलराम। अब नाम रख गए, यशोदा के बेटा का नाम रखा कृष्ण। कृष्ण शब्द के दो अर्थ हैं, जो संसार को अपने में आकर्षित कर सकता हो, संसार को अपने में समेट सकता हो उसे कृष्ण कहते हैं। एक अर्थ लिखा महाभारत आदि पर्व में, आदि पर्व में क्या कृष्ण शब्द का अर्थ है सांवला, और सांवला रंग है इस आकाश का, जैसे इस आकाश का कोई आदि अंत नहीं है ऐसे यशोदा के बेटा का आदि अंत नहीं है। कृष्ण नाम रखा, नाम रख गए। अब एक दिन यशोदा बोली बाबा नंद पे सुनना रे, तुम्हारी समझ देखो लल्ला बाद राक्षसी थे बच्ची को, और तुमने नाम हूं धरवा दे, तो मैं मन जी कर रहा हूं कि अब एक दिन सोमवार के दिन पंडित जी नौत्या में खीर चढ़ा दू। चलो बढ़िया बात है, तो ब्राह्मण देवता घर पर भोजन कर जाए। ध्यान रखना सभी माता बहने, गौर से सुनना मेरी एक बात को, कचुओं पर मतलब क्यों सुन जाए करो ने कहा ने को बीच में टाइम नहीं है, ताहिगंज जी धोती के रुपये लाई। देखो किसी को अगर भोजन कराओ अपने घर